तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। बॉयफ्रेंड के साथ फॉल्टन माउंटर पर गई थी, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने उसको प्रपोज किया और कुछ ही पलों के बाद उसके पैर फिसल गए और वो नीचे गिर गई। बता दें कि ये कपल हादसे के एक दिन पहले ही फॉल्गेट माउंटेन पर ट्रेकिंग के लिए जा चुके थे। हालांकि इस प्रेमी जोड़े की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद 32 वर्षीय इस महिला की जान बच गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमिका को नीचे गिरता देख प्रेमी ने भी उसे बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। वह ऊंची चट्टान से कूदा तो जरूर, लेकिन 500 फीट नीचे आने पर एक स्थान पर फंस गया। खुशकिस्मती की बात है कि महिला लगभग 650 फीट ऊंची चट्टान से नीचे बर्फ की चादर पर गिरी, इस कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बाद में एक राहगीर ने उसे बर्फ पर पड़ा देखा तो प्रशासन को सूचना दी, जिससे बड़े हादसे में बदल गया रोमांटिक प्रपोजल। हाँ कहते ही 650 फीट ऊंचाई से गिरी महिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक रोमांटिक प्रपोजल एक बड़ी दुर्घटना बन गया। न्यूज वेबसाइट बिल्ड के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक 27 साल के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। यह दुर्घटना ऑस्ट्रेलिया के कैरेंथिनिया महिला की उम्र 32 साल थी। फिलहाल दोनों सुरक्षित है और यह बेहद आश्चर्यजनक की बात है।